अनुपमा ने एक ही झटके में अनुज का 40 साल पुराना जख्म फोड़ दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आई एम श्योर जो आज का सीन हमने देखा जिसमें अनुपमा अनुज के सामने सच रखती है, बहुत सारे लोगों को पसंद आया होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें अनुज के लिए सिर्फ पीड़ा ही पीड़ा थी। तो इसी पे चर्चा करती हूं आज, क्योंकि ये सीन कुछ मुझे अजीब लगा। अजीब क्यों लगा इसके बारे में भी आपको बताऊंगी, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुपमा इस धारावाहिक की प्रोटैगनिस्ट है और अनुपमा से गलती की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं। हम समझते हैं कि अनुपमा गलती नहीं कर सकती, अनुपमा तो रोल मॉडल है सबके लिए, कैसे समस्याओं से लड़ना चाहिए, कैसे वाइजली डिसीजन लेना चाहिए, ये सब बातों को दर्शाती है अनुपमा। आज जो हुआ दोस्तों, मुझे तो इस चीज की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि एक तो इनका जो प्रोमो चल रहा है उसके बिहाफ पे और दूसरा अनुपमा से भी, मगर जो हुआ उस पर चर्चा करना तो बनता है क्योंकि वो तो हो गया। तो अनुपमा को जो सच पता चला, उस सच में मालती देवी की पिक्चर आपकी नजरों में कैसी आती है? मेरी नजरों में तो बहुत भयंकर आती है, क्योंकि अभी तक हमें मालती देवी का पूरा सच पता नहीं है, मगर जितना सच पता है, जितना हमने देखा है, उसके हिसाब से जो आश्रम वाली मौसी ने बताया कि ये खुद छोड़ के गई थी अपने बच्चे को, और फिर सिर्फ डोनेशन आता रहा और बच्चे का हालचाल भी नहीं पूछा और खुद अपने करियर की तरफ बढ़ गई, तो ये मालती देवी का सच इतना ही हमें अभी पता है। अगर इस सच पे चले तो ऐसी मां को कौन माफ करेगा? कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने अपने बच्चे का बचपन ही उससे छीन लिया, एक बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया क्योंकि उसको करियर अपना बनाना था, तो ये मां जो मालती देवी है आज बेटा बेटा कर रही है, उसका ये सच जान के तो बिल्कुल हजम नहीं होता है कि ऐसी मां अनुज की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो हमने फ्लैशबैक देखा था उसमें अनुज अपने पिता के पास था, जो भी मालती देवी का बेटा था वो अपने पिता के पास था, तो पिता के पास के बाद ये वाला जो हुआ है कि मालती देवी ने खुद अनाथ आश्रम में छोड़ा है बच्चे को, ये सब बातें, तो ये थोड़ा ट्रैक जो है अभी और खुलना बाकी है। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि हो सकता है पिता की मौत हो गई हो और फिर से अनुज जो है, बच्चा जो था छोटा अनुज, मालती देवी के पैरों का रोड़ा बना हो और फिर से मालती देवी ने अनुज से पीछा छुड़ाने के लिए उसको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया हो, क्योंकि पिता की डेथ के बाद तो मां को संभालना था बच्चे को, मगर मां ने नहीं संभाला, मां को अपना करियर सेट करना था, इसलिए उसने अनाथ आश्रम में डाल दिया, जितना मुझे इससे कहानी से समझ में आता है। और ये जो सच है कि मालती देवी ने अपने बेटे की खबर नहीं ली, डोनेशन भेजी, बच्चे को देखा तक नहीं, ये सच अनुपमा को पता है। अनुपमा तो अपने उसी रिकॉर्ड पे अड़ गई है कि मां तो मां ही होती है। एक्साइटमेंट 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 अनुपमा की, कि मैंने अपने अनुज के लिए उसकी मां ढूंढ ली है। मालती देवी अनुज की मां है, मेरी गुरु मां अनुज की मां, इसलिए उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं जब अनुज को यह सच बताऊंगी तो उसके ऊपर कितना बड़ा जो है धक्का लगेगा। आप तो ये बात सब लोग जो फैमिली वाले हैं, जो एक दूसरे से रिश्ते में होते हैं, सब लोग ये बात समझते हैं कि कोई बड़ा सच जिससे कि दूसरे के दिल पे असर होना हो, दिमाग पे असर होना हो, उस सच को ऐसे ऐसे नहीं बताया जाता कि हां ये तुम्हारी मां है, तुम इसके बेटे हो, वगैरह वगैरह। और वो भी तब जब आपको पता है कि ये अनुज इस मालती देवी से इजी फील नहीं कर रहा, और आप तब वो सच बताते हो। इमीडिएटली जैसे आपको पता चला वैसे आपने ड्रॉप कर दिया विदाउट थिंकिंग,
मे भी अनुपमा को ये कॉन्फिडेंस होगा कि मैं अपने अनुज को संभाल लूंगी, सच बता देती हूँ संभाल लूंगी, आज ही तो मौका है बर्थडे का, ये भी हो सकता है। मगर मेरे हिसाब से अनुपमा ने जल्दबाजी कर दी। पहले मालती देवी के कुछ और सच वो ढूंढती कि क्यों मालती देवी ने छोड़ा अनुज को, क्योंकि जब अनुज को यह बात पता चलेगी कि मुझे छोड़ दिया था फिर मेरा पता ही नहीं लिया, तो यह नफरत और बढ़ेगी दोस्तों, और इसकी जिम्मेदार होगी अनुपमा, चाहे वो नफरत कम करने के लिए बहुत सारी कोशिशें करेगी। मगर यह सच अभी बता के एक तो पूरी पार्टी की रौनक खत्म कर दी, सारे के सारे लोग जो आए थे उनके सामने सच बता के एक और मुसीबत खड़ी कर दी अनुज के सामने, एक और खलबली अनुज के दिमाग में डाल दी, जबकि यहां पे अनुपमा का रोल बहुत अलग होना चाहिए था, एक वाइज वाइफ का रोल होना चाहिए था। तो खैर अब यह सच सामने आ गया है, तो अब तो अनुज भी पूरी तरह से मालती देवी को अपनी मां के रूप में ही देखेगा, मगर उस मां के रूप में जिससे वो नफरत करेगा। तो मैं अब इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कह पाई हूं, जितना मैं समझ पाई हूं कि अनुपमा ने ये जो अनुज के साथ किया है ये सही नहीं किया है। किसी भी घटना को बताने में थोड़ा समय लेना चाहिए। अगर किसी की मौत हो जाती है या किसी का कुछ ऐसा होता है तो हम हिचकिचाते हैं बोलने से पहले कि ये बड़ा झटका है, अगर मैं बताऊंगी तो अगले इंसान के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा, दिल पे क्या असर पड़ेगा, वो सोचना पड़ता है, इसलिए हम उस घटना को बहुत सोच समझ के बोलते हैं, सिचुएशन के हिसाब से बोलते हैं। मगर अनुपमा ने सिचुएशन के हिसाब से नहीं बोला, उसने सिचुएशन को अपने हिसाब से लिया कि आज ही बताने का दिन था कि एक बेटे को मां का आशीर्वाद मिल जाए, तो पहले बेटे की तो राय जान लेते कि बेटा क्या मां को अपने पास रखना चाहता भी है या नहीं। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा जो मैंने आपसे शेयर किया है। होपफुली आप भी इसके ऊपर जरूर अपनी राय देंगे, अपने कमेंट देंगे। तो कीप कमेंटिंग एंड कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.